ए मेरे हबीब, मेरे उन बंदों से कह दो जो असराफ अला नफ्स करते हैं, मेरे उन बंदों से कह दो जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, मेरे उन बंदों से कह दो जो कभी कभी शैतान के वसवसे में आके मुझे भूल जाते हैं, मेरे उन बंदों से कह दो। इसका मतलब साढ़े जैसे बंद ही अल्लाह गल कर रहे हैं, या इबादियत नसीना असरफ अला अनफुसिहिम, ना मुतकियां नाल गल की इस आयत च, ना मासूमा नाल गल की इस आयत च, बिल्कुल आम आदमी नाल गल की, जिहड़े गुनाहगार ने, जिहड़े असराफ अला नफ्स करते हैं, जिहड़े गुनाहगार साढ़े वर्गे तुहाडे वर्गे नहीं, साढ़े वर्गे, मैं, मेरा अब्बा, मेरी अम्मा, मेरिया भैन, मेरे प्रेमे, मेरे भतीजे, तुसीं तां गुनाह कदी कीता ही ना होया, मैं कहना साढ़े वर्गे जिहदे विच पैणे पै जाओ। पर ना अल्लाह कह रहा है या इबादियत नसीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदो जो असराफ अला नफ्स करते हो, मैं तो बचाना पिया, मैं तो इन्हें पिया होना, क्योंकि पंजाबी में हमेशा कीती है कि वादा घाटा करने वाले हो जिन्हों को वादे घाटे हो जाते, वादा घाटा किसी वेले अं वादा कर जाने, किसी वेले घाटा भी कर जाते, वादा घाटा हो जाता है। जिहड़ा बंदा बहुत मुतमिन बैठा है कि तू होवेगा या तेरे करते हो गए, कुरान तो मेरे तो व्यर्थ ने, जिहड़ा वादा घाटा ना करे उन्हें मासूम बनता, जिहड़ा जिंदगी च ना वादा करे ना घाटा करे, बल्कि इकदार से जिंदगी गुजारे और अल्लाह की रजा से गुजारे। असं रोज़ वादा घाटा करने तो अल्लाह उन्होंने बंदे गलता करता है जिहड़े वादा घाटा करते हैं, वादा घाटा कर जाने वाले बंदे प्यार बुलाइए तो उन्होंने खौफ आ जाता है, उन्होंने प्यार बुलाइए तो डर आ जाता है। जिहड़ा बच्चा सुबह तो लवे कि शाम तक गायब रहे, शाम को अब्बे के सामने आवे तो अब्बा उन्होंने आखे ना मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरा मखना, मेरा मिठिया, मेरे चाने, वो बुरा नहीं होंगे पर शाम का फूड बंद किया हो रात 12 बजे आवे घर तो वह परेशान होए, अम्मा दरवाजा ना खोले, अब्बा खोले, क्योंकि मामा तो ठंडिया छावा होंगे ना, तो अब्बे धुप होते हैं, अब्बा दरवाजा खोले तो वह आखे ना मेरा सुन आ गया, मेरा चौधरी पुत्र आ गया, मेरा कमाल पुत्र आ गया, मेरे दिल की ठंडक आ गई है। वो इंशाला अब्बे आ नहीं जाता पिछा होंगे, जिन्हें वादा घाटा किया होगा पता होंगे इस मगर जुत्ती फड़ी होनी है, मलिक साहब आ गए आ जा मेरे बच्चे आ जा, वो भी अलग नहीं होता, कोई पिछा हटता है कि सोटी पिछे फड़ी तो फटना मैं जरूर, जिन्हें वादा घाटा किया हो बंदा जिदे भी प्यार बुलाए ओडा ही डर होता है। मैं पहले जिदे प्यार बुलाओगे ओना ही डर आएगा जिन्हें वादा घाटा किया। असा जो वादे घाटे किए ने सू याद ने, मेरे आए मैं याद ने, बंदे बंद वाद्या घाटों को वाकिफ ने। इस वास्ते हर बंदा दूजे बंदे की नजर की बात इज्जत है, वादे घाटे एक के दूजे दसन ही नहीं देता, हर एक का उस परदा रखे है वादे घाटिया को, जिम्मे अल्लाह साढ़े तो वाकिफ ना मेरे असीसो, कोई बंदा वाकिफ नहीं, अल्लाह साढ़िया तनहाइया तो वाकिफ है, अल्लाह साढ़े माजी तो वाकिफ है, अल्लाह साढ़े मुस्तकबिल तो वाकिफ है। जिथे जिसे असा वादा किया वह भी जानता है, जिथे जिसे घाटा किया वह भी जानता है, कितने कितने की किया है वह सारा जानता है। सानू प्यादा या इबादी और मेरे बंदो सबको फरमाइए जरा साढ़े जैसे को आख्या मेरे बंदे हो, हालांकि वह जानता होता सी सुभान अल्लाह सी असरा भी ही सुभान है मुसा जो मेराज पे ले गई अपने बंदे को, वह तो बंदा अपना आखे तो मुस्तफा को आखे, मुर्तजा को आखे, मुश्तबा को आखे, जो साढ़े जैसे प्यादा ना असरफ अला अनफुसिहिम अपन जाना से जुलम करने वाले या इबादी ओए मेरे बंदो, जिवें उस प्यार बुलाया मेरे तो पैर थलो जमीन निकल गई है, तुहाडा मैनू पता नहीं कि सानू अंतरों जानना तू चंगी भला, तो फिर प्यार गया मेरे ओ बंदे हो आ जाओ मेरे ओ बंदे हो, जिवें उस आख्या ना मेरे ओ बंदे हो जान निकल गई है, लेकिन कमाल कीती है तेरी करीमी रहीमी तो सदके डरद्या डरद्या मैं पूछया जी साढ़े नाल तां गल करदे हो, अल्लाह फरमाया हां तुहाडे नाल तां करना, मैं क्या हुक्म करो, फरमाया
रहमत इल्लाही, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाए। मौलाए कायनात और जज़ा दे, शुक्रिया अल्लाह की रहमत से। करीम है कि रहीम है कि फरमाता है अंदर तहा यगफिर ज़नूब जमीअ, जितने भी गुनाह जमा हो जाए ना मैं माफ करने वाला हूँ। फिक्र नहीं करना, क्योंकि इन्नहु हुवल गफूर और रहीम, इसलिए वो गफूर भी है। शुक्रिया। यही मौजू है, यही मौजू है ना, गफूर भी शबीकर ठीक रहे तभी मौजू यही रहेगा, खराब हो जाए तभी मौजू यही रहेगा। अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह रहीम भी। हूँ तुम देखो किधे किधे वास्ते कितने कितने गफूर है तो कितने कितने रहीम है। मैं चंद आयतें पढ़ देना तू सब कुछ फरमा। एक आयतें जिंद में सूरह मुबारक आले इमरान की पढ़ लगा, वो तुम हैरान हो गए। खार के कायनात फरमाते पर लसीना इजा फालु फाहिशतन, वो बंदे भी सुन ले जो बेहयाई कर बैठे हैं। ये तू अगला कोई लफ्ज़ नहीं, फाहिशतन मतलब बेहयाई करते हैं वो बंदे। ये ऐसा ही ना कुछ फर्क नहीं इंसानों में। हैरान कि पहला मुजज़ा है चौदह का रही, जिथे सारिया लाइट ठीक चल रही सिर्फ स्पीकर ही खराब हो गया। लाइट ठीक है, मैं कई बार देखा जिनी बार ही खराब रहा, लोड पड़े तो यह लोड पड़े लाइट बंद हो गई, कमाल सारिया ठीक सिर्फ ये बंद। लो जी कोशिश मैं करना कि वक्त जाया ना हो, बड़ा कीमती वक्त है ना मजलिस का वक्त, इंतहाई कीमती वक्त है। मौला तुम जजाए खैर दे। अल्लाह फरमाता है फाहिशतन औ ज़लमु अन्फुसहुम, अगर तुम बेहयाई कर बैठे हो या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो तो ज़करुल्लाह, कोई बात नहीं मेरा जिक्र किया कर। अल्लाह फरमा भाई एड्डी बड़ी गल ही कर सकता है जरा एडा करीम है। प्यो पसंद नहीं करता जी मेहरबानी, खुदा की मन कसम है बेहया मामू पसंद नहीं करता, बेहया सका प्यो अगर मेरे घरों निकल जाता, बेहया मेरा जम है। लोग कई बार गुस्से लड़ते हैं मेरा है ही नहीं, हालांकि हमला होता है लेकिन बेहया तो प्यो पसंद नहीं करता। अब तेरे कर्म कसद के हद मुकी, अल्लाह पे फरमाता है औ सलम फाहिशतन, बेहयाई तो की है अच्छा, औ सलम अनफुसहुम, क्या जानों पर जुल्म किया है, सकर उल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करो, फस्तगफरू लिज़नूबिहिम, मेरा जिक्र करके ना माफी मांग लिया करो। हाय हाय मेरा जिक्र भी किया करो और मुझसे मगफरत की तलबगारी किया करो, मुझसे माफी मांग लिया करो। अल्लाह फरमाता है एक गल तो दसो, एक खूबसूरत गल वो ही कर सकता है जरा अकबर है, अकबर प्यार है पर मैं सवाल तक करना कौन है अल्लाह के सिवा जो गुनाहों को माफ करता। हाय हाय कौन है, बंदे तो माफ नहीं करता, मैं कहना बंदे माफ कभी नहीं करते। बारह बारह साल के दो बच्चे बराबर दे रहे तो एक किनों चोरी कर लै किसी रेहड़ी को, दूजा देख ले बारह बारह साल के दो बजे छोटे छोटे वो दोवे अस्सी अस्सी साल के हो जाए, एक बच्चों जिन्हें पिछले जमाने बारह साल से किलो चुकया से और दूजे अस्सी साल जब बाबे को मिलन जाए ना तो मैं हज तक चलना, वो आता हूँ हज तक टुट गया लोगों के किलो चोरी कर कर वेले की गल है, उन्हें वेख्या है तो माफ नहीं पैदा, इन्ना ही कसूर होता भी उन्हें वेख्या, होर तो किसी वेख्या नहीं, उन्हें वेख्या है, एक ने वेख्या है कि उस सत्तर साल बाद भी माफ नहीं किया। तेरी इज्जत तो दराज वाला तू सारिया शव हर वेले बेहद फिर चुप सर उठाओ खार के गाय नाम ने फरमाया बोलो बंदो पता नहीं बंदे को असर देना ना लगे। अल्लाह फरमाता है नहीं शेख फिर उस सलूबा ही करना, कौन है जो अल्लाह के सिवा गुनाहों को माफ कर दे, तू सही के कर्म करने की वला युसिरु अला मा फअल, जो तुम कर लो ना उस पर मुसर ना होना, उस पर जिद ना करना। पंजाबी कक्षा ना ध्यान छोटे बच्चे समझ आ गया, करम तो बाद ये ना आखना की हो गया
शर्मिंदा होना तेरा काम है, माफ करना मेरा। सदके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कह रहा। शर्मिंदा होना सिद्ध नहीं होगा, भैया काम करके सिद्ध नहीं कर, की हो गया नहीं आकड़ सिर्फ तू शर्मिंदा हो रहा। मैं तेरे माफ एक मत होगा जिससे बात सुना। पैगंबर फरमाते ने जो बंदा सारी जिंदगी अल्लाह के आके एक काम ना किया हो, ना नमाज ना रोजा ना हज ना सका, एक ऐवें को पचासियां गुसा ना हो गए किसी वे अल्लाह ने आखे तेरे तो वड्डा गफार कोई नहीं, मेरे तो वड्डा गुनागार कोई नहीं। फरिश्ते अंदर ने सानू शक पै जाता है, एक बार अस फेर आखा ना तो अल्लाह का दरिया रहमत जोश च आ जा। मोहब्बत कितों लगे तुसी अंदाजा लाओ कि मां एक ऐसी अल्लाह की कायनात जो मौजूद है, जेड़ा मुंडा बहुता आवारा हो गया उसकी बहुती फिक्र करती है। चार पुत्र हो, त्रै काम करते हो, एक पिछों आवारा हो गए, कबूतर बाज हो गए, फटा पैरता हो, सिगर पीता हो, कभी कभी बूटी भी पी लेता हो। मिसाल के तौर पर कबूटी तो गुस्सा मेरे को कर दिया, वह दस नहीं ना लस दिता है, वह सरदा ही है, सरदा ही मतलब है बूटी तो गुस्सा पुठा ना होता बूटी। वह फिर किबला वो जरा काम नहीं ना करता, वो शाम घर आके पुछता की होता है, तुझे क्यों नहीं पूछते, उन्हें सब्जी आप कर ली होती, जिन्हें सब्जी कमाई करके घर कर ली, उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पता, उन्हें पता की पता आप कर जरा सारा दिन आवारा गर्मी करता, वो शाम को आके तुम्हें पता कपड़े भी चंगे पाता, कपड़े भी चंगे तो घड़ी भी चंगी, कम भी कोई पता नहीं जाऊंगा कि उठो उन्हें घर गया की पकाया गया कमाई कर देने अबा आखना की कुछ कम ना कार की पकाया की वो प्यो की आता अजाद दफा हो जा। मैं तो किसी वेल करता अखबार च इश्तहार दे दिया कि मैं आप कर लू प्यो तंग आता चल तो एडा नेक होता है वो कदम आता आता जी इंशाला काम करेगा वो मेरे भराओ की कर दे वो क्या नहीं तो ना सही मैं तुम्हारी रोटी से बैठा अपने को रखो मैं बैठा बार निकल जाता है प्यो भी नाराज होकर कट छा भरा भी नाराज होकर कट छ खुदा की कसम ओद मगर 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 मां लगी फिरती है इतने मेरा इकबाल नहीं जे देखा इतने मेरा इमरान नहीं जो ना हो दुकानदार अंदर भैन नलैक भी हो तू ही मगर ही भैड़ा भी हो तू ही मगर ही आवारा भी हो तू ही मगर ही ए नूह तेरी मां वो क्या मैं कि आख्या चंगा मैं आख्या कम करता मैं नहीं कमाई करता चंगा मैं आख्या उस भैन चंगा तो तू नहीं करती खजल भी ओके पिछे होती है तू तो मेहरबान होए
मैं दो आयता पढ़ अल्लाह बंदियां दे बाद दे घाटे नूं माफ करता हूं तुसी आखोगे मोमना दे मुसलमाना दे नहीं जेड़ा बंदा काफिर ते मुशरिक है जेड़े उस वादे घाटे कीते ने अल्लाह उन्हां नूं माफ कर सकता थोड़ा नहीं गल करता पर अल्लाह कर सकता वो मैं आज पढ़ करता कलमा पढ़ने तो पहला जिले वादे घाटे हुए सन वो भी अल्लाह माफ कर देता है ते जिहड़ा कलमा पढ़ने तो बाद वादे घाटे होते हैं वो भी अल्लाह माफ कर देता है एडा करीम सुनो ते मैं आखिर ते तकरीर दे उपत वक्त दसा जिदे वास्ते ना गफूर है ना रहीम है ना सतार है ना गफार है बस ओदे तो बचना है वो इक्को ही लफ्ज़ है आखिर ते दो आयतां मैं जनाब दे सामने पहले पढ़ी सूरह मुबारका निसा दी आयत नंबर मजीदा तुसी कई बारी मेरे को सुन चुके हो ए चौथा पारा है और आखिरी रुकू है ये जेड़े बंदे कलमा पढ़िया ना सरकार दा तुम पता कलमा पढ़ने तो पहला वो जो जो करते रहे सन वो तो ठीक नहीं सी वो भी ठीक ही सी आज रब ने बंदे ने बुजुर्ग आख्या जिथे कोई लग गया ठीक लग गया जिथे कोई लग गया ठीक लग गया लगता ना कुछ बुजुर्ग से किन्नी गल बना छी जिथे कोई लग गया ठीक लग गया बुजुर्ग आने जिथे भी कोई लग गया कई शिया उधर पैदा बंद है कितने होश नहीं किसान कर पता नहीं ये तो पता लग जाएगा कि आजादारी में सर को कैप या पगड़ी उतार ले वो डाल देगा धर्म तो होना चाहिए था इस वास्ते पता नहीं मैं बड़ी देर पहले मिसाल दी थी वो नेट से तो कई बार देखी होनी है कि लोग एक बार मातम करते हैं तो मेरा दो बार कर मातम नहीं करते वो जरा एक बार हाथ में दो बार मारे वो चल रहे मातम खराब कर मैंने को बंदा था तेरा आप एक बार हाथ में मारे दो बार तो मैं पिछली कदा पे देना नवे नवे होना वो नाम जाल सही पे जेड़े नवे नवे ये तो मैं शिया सुनने की गल की थी छो ये साड़ी अपनी गल सारी ये जो कुफर को छड़ के इस्लाम में आए सन वो ऐसे ऐसे काम कर चुके सन जो ना इस्लाम के कवानीन सुने ना ना वो शर्मिंदा होते सन मौला भी तुम जजा दे मैं कहना वो शर्मिंदा होते सन कि असं ये भी करते रहे ये भी हराम है ये भी करते रहे ये भी हराम है ये भी करते रहे ये भी हराम है दो सिर्फ आयत पढ़ने पहली आयत पढ़ने जो आयत आई है ना बड़ा कंफ्यूज जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं वो तुम उनकी औलाद तो नहीं होना मगर तुम्हारे बाप के निकाह में आ गई है ना वो तुम्हारी माँ बन गई है उससे निकाह नहीं होता सतीजी मां निकाह मदरई मां निकाह तो लोग जो कर्मा पढ़ लिया कि आया ना कानून हूं भैड़िया क्यों नहीं पैना सी जिन्हें किया सारे जी घर होते एक मशीन काम से जाता है वो तो सारे काम से जाते हैं बाह के काम से टूटा सामने दुकान से उस भुख लगी वो आके बर्गर खा लिया दूजे पड़क खा लिया दूजे इतवार वाले दिन त्रै चार दिन बाद आख्या पराठा रहेगा वो निकल गया सर उन्हें आख्या क्योंकि वह ऐसा भी दुकान तो बर्गर नहीं खाना क्योंकि सूर में पाते उन्हें आख्या कि सामने दुकान उतर दे हो सकता है कुरान का वास्ता है जिदन मैं आया सा उदन दसना सी बस की गल जो चौथा बड़ा तो मैं कर फिर वह कलूड़िया शुरू कर मतलब नाम करने वाला काम किया
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਪਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਭੈੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਗਫੂਰ ਤੇ ਰਹੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਅਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਨੇ ਨਿਕਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਏ, ਇਨਸੇ ਕਹ ਦੇ ਵੋ ਗਫੂਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਇਨਾ ਮਾ ਕਦ ਸਲਫਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਵੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਾ ਗਫੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹ ਦੇਖਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸਾਂ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹ ਦੇਖਿਆ ਇਨਾ ਮਾ ਕਦ ਸਲਫਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਆਈ ਮੈਂ ਅੰਤਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਉਖਤੈਨ ਉਖਤ ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਉਖਤੈਨ ਮੈਂ ਦੋ ਪਹਿਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਤਾਂ ਉਖਤੈਨ ਜਿਵੇਂ ਹਸਨੈਨ ਨਾ ਸਿਫਤੈਨ ਮਸ਼ਰਕੈਨ ਮਗਰਬੈਨ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫੈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਉਖਤੈਨ ਤੁਮ ਦੋ ਬਹਿਨੋਂ ਕੋ ਏਕ ਬੰਦਾ ਏਕ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਭੈੜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਨ ਸਲਫਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੁਣੋ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਨਾ ਗਫੂਰ ਅਰ ਰਹੀਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰਹੀਮ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਗਫੂਰ ਤੇ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦ ਆਏ ਔਰ ਰਹੀਮ ਵੀ ਆਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾ ਪੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਆਫਾਤ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇਖੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਇਹਨਾਂ ਆਫਾਤ ਦੀ ਆਇਤ ਕੁਲ ਦਿਲ ਨਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਕਾਫਰੋਂ ਸੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿਨੂੰ ਯਾਰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਲ ਦਿਲ ਨਸੀ ਨਾ ਕਾਫਰ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਕੋਲ ਸੇ ਕਹਿ ਜੋ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਗਫੂਰ ਅਰ ਰਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
गफूर भी है ते रहीम भी है। हम तुसी परेशान हो रहे जो मैं तशरीह कर रहा इस आयत है सूरह मुबारका निसा की आयत है मौजूदा जगह ये होया है कि नबी पाक जहाद से निकले सन ते नाल सहाबे इकराम भी सन जहाद वास्ते रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन मुसलमान हज तक बंदा गया हो चाली हज ही काफले पिछले हज ते सारे गए ने अपने घरों बंदा मोबाइल रखना हो परेशान हो मैं कितने रखा कमरा भी एक होार भी एक होटल भी एक हो मेरा ख्याल काम ठीक हो मैं बहना चाली हाजी ने पिछों एक हाजी मोबाइल रखना हो परेशान बैठा हो यार चुप ही ना लग गया बंद पूछे भी सारे हाजी ने की पता क्यों किसे चुपना हाजत बर्बाद करना नहीं सकता यह मतलब जे तो काफिर मुशरक ना हो कोई यहूदी ने फिर बंदा परेशान होता है कि यूनियन हाजत आ गया कोई एवं कि मोबाइल चुप के ला जा मोमना को मोमना होगा तो खतरा हाजी के मोबाइल सामने तो तुसा स्वाद ले हूँ जी हकीकत है मिसाल तो देखती है हकीकत दसन वास्ता मिसाल एवं होती है जिम्मे बिस्तरी वेख के टिट लै के कटता है तो कि चाहिए उधरों बहुत इधरों मरता उधरों बहुत तो उधरों मरता फिट बहुत लट जाता अद्धा भी आते हैं डेली भी आते हैं किसी वे डेली रखता है किसी वे अद्धा रखता है किसी वे पौना रखता है यह मिसाल यही होती है कि पहले थां वेख लो फिट जिन फिट ना मिसाल आती होनी नहीं चाहिए तो सारे मदद कर रही है कि हाजी ने सारे तो एक हाजी ने चुप मोबाइल रखता फिर मतलब वो हाजी ना चुप लै ये मतलब फिर उन्हें चालिया मछली को इंज का आया है ना मतलब एक इंज के दो चार आया है शक पैदा भी हज ते आके भी मुड़ना इना जनाब रखने लगा नबी पाक जो गए सन सहाबे किराम रसूलुल्लाह अलैहिम अजमाईन वह तो सारे काफर के मुखालिफ सन काफर इन्होंने मुखालिफ सन नबी पाक की फौज के पिछों एक सहाबी परेशान सी कि मैं जिला कितने रखा मिसाल सुनी भी स्वाद नहीं आया तो माफ कर जिला होती सी ना यार वो जिला बिक जाती है समझ लोड़ तलवार वो सोचे मैं जिला कितने रखा हूँ यह मतलब इतों साफ लगता है जे उस आपे शक पे है कि कोई मेरी जिला ही ना चुप रहे वह शक यूदिया तो पे साथियों तो पे चलो ठीक हो जाओ उस आटे वाली बोरी बचना अलग कर दूसरा तो खैर आटे बोरी बची नहीं आटे वाली बोरी सी पी वो बिच उन्हें ना बहुत इतने कर इतने करके अगर करके रख सी आटा कर छोड़ा तो चलो इतने बची रहे वो चोरी हो गई मेरे को भैया नाम लिखा मेरा सारे मामले कोई कसूर रहे वो चोरी हो गई वो सरकार को आके शिकायत की थी उन्हें कहा यार सुन लो मैं सिरा रखी थी बड़ी लुकाई है मैं इधर मतलब बंदा वो सच्चा सी जिन्हें लुकाई सी पता उन्हें है सी ऐसे बंदे बच है गए जिन्हें छड़े ताड़ी क्या बात है सरदार फरमाया कट्ठे कर लगता अपने बंदे सब सारे यार बेगाना से कोई नहीं ना सरकार ने अपने सारे फौजी कट्ठे की थे क्या है तो आपने फरमाया बड़ी बड़ी गलती की करते हो असि आप ही हैं इतने सारे आप ही तो इतों इस बंदे की जरा चोरी होगी बहर के डर कोई नहीं ना आए इतने अभी तेज ना कर त्यो जी को लो जी बंदे आखिर आप सुनना सी आप एक स्वामी पूछू ना खोजी सन समझो खोजी तो पता है अरब के बंदे खोज के बड़े सराने सन ये परिंदे उड़ते हुए वेख के दस छे सन भी घौसले बन जा रहे या घौसले तो आ रहे एडे खोजी सन ये भी दसते सर कि रचिया उड़ता पाया कि भुखा उड़ता पाया एडे खोजी सन अरब के बंदे
नबी पाक शबे हिजरत निकले सन एक बंदे ने खोज ला के गारे सौर तक लै गया सी गारे सौर तक बंदे लै गया सी और राह चू सकया सी उहदे अगे अल्लाह दे कबूतरी नूं आख्या अंडे दे दे ते मकड़ी नूं आख्या चारा तान दे ते उहनां नूं वेख वेख के उहनां विच इत्थे कदे कोई आया ही नहीं तो वापस आए ने बस खोजी लै गया सी पत्थरां च गारे च नहीं किलियां पैड़ियां च नहीं पठियां ते पैर लगा होवे ते पता लग जांदा उस दौर च एडे एडे वड्डे खोजी सन ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੋਜੀ ਸਨ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਸਿਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਲੱਭਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਬਲਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਦੇ ਕੂਹੇ ਤੱਕ ਲਾਣਾ ਖੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਓ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਹਾਫਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਦੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਖੋਜੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ 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 ਆਟਾ ਹੈ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆਟਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਬੋਰੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ 15 ਕਦਮ ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਉਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਟਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਆਟਾ ਆਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਟਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਗਾ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿਬਰਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਖੁਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਗਈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਜੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ
सर उठाओ यार। तमाम सहाबे किराम रसूलुल्लाह अलैहिम अजमईन उस सहाबी रजी अल्लाह अन्हु दी फकारत कर दे रहा है कि यार सुनना इस सहाबी ने ये थोड़ा आशिक है ये थोड़ा ताबे फरमान है भला ये मुसलमान तो सहाबी हो गए ये किवें चोरी कर सकता है चौकी अगला नंबर सुन और कहते रहे कि ये यहूदी खबीस है ये यहूदी मुसलमान तो ही नहीं है मुसलमान की जुबान ठीक है या यहूदी की जुबान ठीक है यार सुनना तुम चुप कर रहे हो तुम यहूदी की गल कितने यकीन तो नहीं कर लगता है यार सुनना तेरा ध्यान रखा जे अस मुसलमान जे ते भी मुसलमान जे ते यहूदियां दा यहूदी बकवास करता यहूदी फिर नबी पाक उन्होंने कहा नबी चुप घबरा के सवाल करने लगे यार सुनना आप चुप क्यों हैं फरमाया मुंतजर हूं क्या बात है सर उठाओ भाई सर उठाओ मैं मुंतजर हूं उन्हें क्या कहा दे पर मैं मुझे अल्लाह ने कहा है कि मेरे हबीब लिता कुमा बैन नासी बीमा आरा अल्लाह फैसला वो करना जो तुझे अल्लाह दिखाएगा मैं अल्लाह का मुंतजर हूं कि अल्लाह मुझे क्या बताता है तो फिर सहाबा खामोश हुए और नबी भी चुप हुए तो जिब्रील आ गए जब पैगाम दे रहे थे तो फिर पैगंबर ने ऐलान किया कि अल्लाह मुझे कह रहा है खबरदार मेरे हबीब इंसाफ करना अदल करना वला तकुन लिलखाइबीन खसीमन कभी भी झगड़ा करने वालों और खयानत करने वालों का साथ न देना उसकी हमदर्दी न करना साहबा पूछा नतीजा क्या है फरमाया यहूदी सच्चा है या झूठा है इसने चोरी की है और मैं वही फैसला करूंगा मैं वही फैसला करूंगा जो हक है मैं वही फैसला करूंगा जो हक है मेरे में भैया और यहूदी इकट्ठे होकर कदम आते हैं उन्हें क्या ये बशर का फैसला नहीं ये अल्लाह का फैसला है मतलब करमे पढ़ने तो पहला भी बंदा कुछ करे अल्लाह ता भी गफूर है रहीम है करमा पढ़ने तो बाद भी तू वादा कट करे बोलो यार अल्लाह गफूर है अल्लाह रहीम है हम एक आयत सुनो मैं इजाजत है ये जेडे अल्लाह ने इन्नी गफारी ते इन्नी रहीमी को दुनिया वास्ते काम लिया है आ बंदे को अल्लाह फरमाता है इस्तगफिर लहु औ ला तस्तगफिर लहु ये जो है ना इनके लिए तू माफी मांग या ना मांग क्या बात है अल्लाह फरमाया इन तस्तगफिर लहुम सबईन मरतन फलन यगफिर अल्लाह लहुम मेरे हबीब इनके लिए तू 70 बार भी माफी मांगे ना तो मैं माफी देने वाला नहीं जिस अल्लाह ने हजमू शबीर मुजलमीन बनाया ज्यादा मुकाम है महमूद ते खलक लो जिनू आंदा जाएगा मैं छड़ता जाऊंगा इदा मतलब ये अल्लाह के काफिर ते भी रहीम ते गफूर है ते मुसलमान ते भी रहीम ते गफूर है ए कौन है ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬੱਚਿਓ ਕਾਫਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਚਕਾਰ ਨੀ ਜਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਗਫੂਰ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਨਾ ਰਹੀਮ ਪਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹਬੀਬ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਅਸਤਗਫਰਤਾ ਲਹੁਮ ਅਮ ਲਮ ਤਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਮ इनके लिए तू मांग माफी या ना मांग इनको मैं बख्शने वाला नहीं यगफिर अल्लाह लहुम इनको अल्लाह बख्शने वाला नहीं मैं कि अल्लाह काफिर ते मेहरबान है
मुसलमानों के मेहरबान ने एक कौन नहीं पर मैं सूरत का नाम दस सारे समझ जान सूरत का नाम ही मुनाफिकू ने क्या बात है आबाद रहो भाई अल्लाह मतलब है अल्लाह कल में से पहले भी माफी देता है कलमा पढ़ने के बाद भी माफी देता है गुनाहों की देता है लेकिन मुनाफे को अल्लाह माफ बोलो बोलो नहीं करता नहीं करता सहाबी की जूती चुमा ओदी कब्र चुमा जरा मस्जिद के विचकार उठ के खलोगे ना यार सुनना ये जिन्हों के मुतलक अल्लाह एडा सख्त हो गया ये इथे ही होंगे ने किधर नबी अगे इथे ही होंगे किथे जो नमाज पढ़ने फरमाया अगे होंगे ने जो जगदे जाने फरमाया पीछे होंगे ने फरमाया तुम्हें पता लग जाता सभी पुछाश की थी नबी फरमाया जिन्हें मैं जाहिर बनाऊंगा मैं बादल में पता लग जाता कितने कितने खड़ोते हैं तेरी जूती तो पुत्र वारद हो सहाबी की तो और साथिया बच्चे आए हो जिमें तुम पता लग जाता तुम तो नबी हो एडिया भैड़िया के नेड़े नहीं लगना चाहिए एडिया भैड़िया के जिन्हें अल्लाह ना रहीम है ना करीम है ना सतार है ना गफार है इन्हों को बचना चाहिए पैगंबर ने फरमाया ये जो बचना चाहिए है कि अल्लाह मैनू प्यार है होमुल अतु गुफा हजार होम दुश्मन तेरे हो भी बड़े ने पर इन्हों को बच के रहे सुभान अल्लाह काफिर भी तेरे दुश्मन ने लेकिन इन्हों को बचना मुशरिक भी तेरे दुश्मन ने पर इन्हों मुनाफिक को बचना ओ साथिया तेरी इज्जत की कसम मेहरबानी फरमा सानू कोई कुलिया दा छड़ के मस्जिदा भी पता लग जाए कि ये कितने कितने मोहब्बत करे मोमन समझ लेना जेड़ा भुगत रखेगा मुनाफिक मोहब्बत बस ये गल बल्कि अपना अपना अपने आप इतने बनो इतने बनो इतने बनो कौन बनो मैं भी रहो एक गल अल्लाह को मगफरत करा हजरत अली की मोहब्बत लैके आना बुगज लैके आना हजरत इमाम हुसैन ने दस नजर रखना दोपहर के मेरे खलो के आके असि मैं इको गल दस के मेरे से हमला करो कि मैं कदर कर दे क्यों उन्होंने आख्या बुग सुनना भी कर सारे दिलों तेरे प्यो का बुग इतने मैं होना इतने ही मैं सलमा है इतने ही मैं इमाम है कोई मुसलमान है तुहाडे दिल च कोई बुग से अली सी ते बदले पुत्रां कोलों लैणे सा धीआं कोलों लैणे सा जिहड़ी वीर कोलों जुदा नहीं सी ना हुंदा उन्हें दस मुहर्रम दे डीगर नूं विदया कीता विदया उहनूं कीता उसनूं जिहनूं निकाह दी शर्त विच रख्या सा कि मैं निकाह उत्थे कराना बाबा जिथे मेरे शाह हुसैन तो मैं जुदा ना उत्थे शर्त लग गया मगर बीबी नहीं जुदा कीता हजरत अब्दुल्ला जिवें शबीर निकले ने बशीर भी निकले दस मुहर्रम एक कनात अंदर सी ते एक बाहर सी ते हजरत अब्बास दा इंतकाम सी सदात दे घरां विच मक्के और मदीने च असल च जिहड़ा बाहर दा दरवाजा हुंदा है इस दरवाजे तो अंदर पांच छे फुट एक दीवार होती थी बिल्कुल सीधी दरवाजे में सीधी दीवार बनी है क्योंकि दरवाजा खुला होता सी अंदरों कोई चीज नजर नहीं सकती एक पर्दे का एक ये हजरत अब्बास ने उत्थे भी रखा खैमे के दुआले एक कनात लाई सी छोटी कि अगर एक मसूर मुखदरा एक सूर निकल के दूजे खैमे च जाए क्या बात है बड़े सुन किसी यजीदी की नजर ना पवे आवा जिथे थोड़ी दीवार है पिछे थोड़ा जा एक वड्डी किनात लगी उची जिसे अंदर घोड़ा भी आ सकता है वो फिर कई बीबिया जो फरमाया सर ना कल पुत्र घोड़े की जीन से कभी नहीं देखा वो बाहर की किनात को अंदर हजरत अब्बास घोड़ा लिया सवार के सामने कर दिया सर यह मतलब दो परते सर खैमे तो अलावा खैमे का वखरा परदा चादर का वखरा परदा सदके जावा
पहले बीबिया के सर से चादर का पर्दा, दूसरा खेमे का पर्दा, तीसरा छोटी कनात का पर्दा, तो है वड्डी कनात का पर्दा। दस मुहर्रम की जिन शाम है गरीबां दे इन्हां चों एक भी पर्दा मौजूद नहीं। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਜੀ ਜਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜ ਲੰਘੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਸਰ ਦੇ ਵਾੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਜਣਾ। ਛੋਟੀ ਕਨਾਤ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਡੋਰਿਆ 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 ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਖਲੋ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ੈਨ ਅਬ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸੀਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਜਾਤ ਚ ਬੀਬੀ ਪਿਓ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਾਹ ਜੇ ਦੀਨ ਬਚਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੰਡ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਨਾਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਂ ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਨਾਤ ਪਲਟੂਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਦੀ ਚਾਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਇਆ ਖਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ਼ ਵੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ ਭੈਣ। ਸਿਆਰਤ ਕਰਦਾ
आंसू मुश्किल होता है, मातम भी आसान है, मातम आसान जंजीर भी आसान है, क्योंकि जंजीर भी इरादे नाल गति करदा है, हाथ भी इरादे नाल गति करदा। मुंह तो मातम करना चाहते हो तो लोग तुम कर सकते हो, कोई इरादा नहीं। एक दिन पहले जंजीर लवाओ, अगले दिन चलाओ, यह उधर कल का इरादा ना, ये आंसू इरादे नाल नहीं होता। सौ बारी इरादा करिए उदो आ जिते इतने आगे बनावट कोई नहीं है, बहुत ही अगली इबादत है जिंदा नाम आंसू है ना, बहुत अगली इबादत मौला जज़ा दे। वैसे उला माफ फरमा देने, अगर कोई बंदा मजलिस नहीं रोता, कोई बंदा छोटा अजादा या मुहब्बत तो खाली ना समझता, मैं तुम फरमान सुना देना, आंसू आ जाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। मासूम फरमंद ने उन्हें मां ने दस है कि मजलिस च रंजीदा हो तो आंसू होता ना, रंजीदा अल्लाह ने दसो हाय हाय। फरमंद ने मजलिस शबीर च पै के बंदा रंजीदा नहीं होता, संजीदा भी हो जाए तो ज़हरा राजी हो जाए। संजीदा संजीदा उन्होंने बंद ने जरा सोचे एडा वा घर किमें उजड़ गया। बीबी फिर दसना शुरू किया, तुआतर पांच छह मिनट पढ़ते, पांच छह मिनट बीबी तुआतर दसना शुरू किया, मैं तुआतर पढ़ लू तुम तुआतर सुन लो। बीबी फरमा बीबी पता नहीं है बीबी जहर पा कि सुनते रहे, जब बैठा लफ्ज आख्या बीबी फिर रो के फरमा बीबी तेरे खैमे तो तेरा वीर चार कदम दूर, तेरी कला तो चार कदम दूर, अम्मा अम्मा दस कदम दूर, अम्मा अम्मा टिब्बा एक बना दे तेरे वीर का घोड़ा प्या चढ़ता, अम्मा अम्मा खड़ा घोड़ा चढ़ गए टिब्बे से, बीबी हूँ बीबी फरमाती है बीबी हूँ तेरे वीर ने तलवार के दस्ते से हाथ पा लिया। बीबी नाल होकर फरमाते है मेरे वीर ने तलवार फड़ ली, हाँ हूँ पहला तलवार न्याम से बाहर, अम्मा बाहर कर ली तलवार, सज्जे मुंह ने तो तलवार बुलंद की है तेरे वीर ने, दूजे हाथ से घोड़े की बात है, अम्मा हाँ फरमाया हूँ बीबी कर ला इस फौज ने तेरा भी कोई गल पा कर दिया आजा करो जेड़े मेरे बीबी कर लाया उदो शबीर पाता से तुसा मेरा अकबर भी मार दे, तुसा मेरा अब्बास जैसा भी मार दे, तुसा मेरी छह महीने का बच्चा मार दिता, और तुसा मेरे मेहमान मार दते हैं, और तुसा मेरे जवान मार दते हैं, आओ जिन्हें पुत्र मारे तो उस कले प्यो की जल देखो, आओ जिदा भरा कोई नहीं छड़िया उस कले भरा की जल देखो, शबीर ने आख्या मेरे नाने का नाम मुहम्मद है, मेरे प्यो का नाम अली है, लोगों को नहीं पता, बोलो बोलो यार, पर लोगों को नहीं पता कौन पता सी, अजय भी नबी का पुत्र पैदा होता सी शायद फिर हया आ जाए, मैं ओदा निवास जिदा आजाद ना चला नहीं दे, मैं अली का पुत्र हाँ, मेरे हाथ से जुल फकार है, और बस दिलो तुसा सानू कमजोर समझे, हजरत इमाम हुसैन ने या अल्लाह है के हमला किया, जिल की फरशाह की दीवारा ना फौज टकराई, हर बंदा आता सी बारह महीने जिल की फर कर बना तो, हर बंदा आता सी तू क्यों नसे है हुसैन ते मेरे पीछे नहीं, तू जानता तू क्यों नसे है हुसैन ते मेरे पीछे नहीं, इधर मतलब है मैं नहीं पता शबीर की दे पीछे थी, लेकिन खौफ है ना छा गया नवासा रसूल का, मजबूर नहीं आवाजा आ गई
ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੱਥ ਵੇ ਗਏ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਣਿਆ ਦੀ ਜੀ ਮਾਰੇ ਇਲਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਆਫਰੀਨ ਹੁਸੈਨ ਮਰਹਬਾ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਦਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸਰ ਫਤਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪੂਰਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਤਰਾਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਿਕਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਓ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸੁਲਝਣਾ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਹੱਥ ਵੇ ਗਏ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਿਓ ਦੀ ਚੁਰਤ ਵਿਖਾਈ ਆ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਰਬਾਰ ਨਿਆਮ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤੀਰ ਆਏ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ੇ ਆਏ ਫਿਰ ਲਾਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਤੀਰ ਆਏ ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸੀ ਦੇ ਸੁਲਝਣਾ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ حضرت امام سمانہ دا ایک مقام ہے فرات والے کنارے تے سواروں بولو ہاں جی فرات والے کنارے تے مقام امام سمانہ اوتھے رکعتاں دو نماز پڑھنی ہے تے امام سمانہ دی حاجت پر دعا کر لے اوتھے میرے بارے امام جدوں ظاہر سن اوتھے اوندے سن پہلے کسے نال دے پوچھیا ساتھی نے مولا قبر اوتھے نے 1 کلومیٹر تے تے نال جتھے شہید ہوئے نے او وکھری جگہ ہے مقتل دا حضرت امام حسین دی وکھری میں اپنا سنت دوست کرنا کیا کہ جدو مقتل حسین پڑھا سا نا مقتل حسین وکیل سی پڑھا لکھا اتنا تھاڑا مار کے شیعہ بھی پہنچ جاتا ہے جیسے کہ ہم روندے ہم ویکھے ہیں میں کہہ رہا کہ نا مہران صاحب کیوں کی کرتے ہیں اس نے کہا کوئی غلط سنوں نہیں سکینہ ایتھوں واپس ہو جائے ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੋ ਤੇ ਧੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ
मैं टुर जानी हाँ पर वेख लो मैं उठी बड़ी आई हाँ जो तमाके का निशान वेख्या ने ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਨਕਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਕਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾ
رب نے کان دے کسے مش ممکن نہیں سی کسے منکر نو بیٹھ دیتا کسے یزیدی نو بیٹھ دیتا پھر اس جناب حضرت ام فروا دے خیمے کول ایدی عادت سی حضرت امام حسین دے گھر جدوں آندا سی ادو زمین تے اپنے دوے پیر مار قاسم سلام اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ خیمے کے آیا تھلے شروع کی تھا تے سو گیا پھر اگے چلا جانا بی بی اپنی بیٹی حضرت عباس کی زوجہ دے خیمے دے سامنے آئے تھلے نوں کی تسو گیا تے اگے بھج گئے بی بی اپنی بیٹی اصل کتھے جاندا پھر بی بی زینب دے خیمے کے آیا اے جی شبی بیٹھی جہاں تے شبی بیٹھی میں سنی دی گل پہ کر میں علماء دی گھر پیدا کر کے مجھے اپنا اپنا ہے پھر حضرت زینب دیکھا ہے میرے سامنے چھو گیا آج دیکھا گٹو جس خیمے بے سن بی بی سکینہ تے حضرت رباب تے حضرت علی اصغر حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ یہ اس خیمے دے پوپے گیا کہ اس سن گیا نہ جڑے پہ تے قبلہ اتھے نے دو بھائی تھلے پیر مارا لگ گیا کہ امام حسین کا دمہ آ گیا جب وہ تھے تو میں پیر مارے سنا ادو بی بی سکینہ کیا پھپھی زرجنا ہویا ہے بی بی سکینہ نے زرجنا نے کہا گل کی تھی سن لو تے زرجنا لے لو بی بی سامنے آ کے فرما دیے متے تے ہاتھ رکھ کے آ تیرا خون پیا دسدا میں اجڑ گئی ہاں تو سنا دیڑ آیا نا سی اجڑ گئے ہاں آ مینو پتا لگ گیا سی اجڑ گئے ہاں میں جنگل وچ یتیم ہو گئی ہاں میرے پیو نو پانی نہیں پلایا میرا بابا پیاسا